शहर के अधिकांश आदिवासी लोगों का आज भी सरकारी योजना के तहत मिलने वाली खावटी से वंचित रहना पड़ रहा है। इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व महापौर माया इनावती और शहर के विधायक आदियों ने एक ज्ञापन आदिवासी कार्यालय में जाकर अपर आयुक्त मनीषा खत्री इन्हें दिया और आदिवासी लोगों की समस्या से अवगत कराया। इस मौके पर भाजपा के विधायक और पदाधिकारी मौजूद थे। आदिवासी लोगों को प्रकल्प अधिकारी द्वारा खावटी योजना का लाभ दिया जाता है। नागपुर एवं ग्रामीण परिसर में तकरीबन 5 लाख आदिवासी रहते हैं। इनमें से अधिकांश आदिवासियों को खावटी के 4,000 रुपए नहीं मिले हैं। जिन आदिवासियों ने आदिवासी कार्यालय में अपने अपने पूरे कागजात दिए हैं, ऐसे लोगों को योजना का लाभ भी मिला है। मात्र जिनके कागजात सही नहीं थे, उन्हें इस खावटी योजना से वंचित रहना पड़ा है। वंचित आदिवासियों की बड़ी संख्या है। पिछले साल महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक जिया निकाला गया था, जिसमें जरूरतमंदों को खावटी के रूप में 4,000 रुपए देने की बात की गई। 2000 और 2000 की अनाज की किट, ऐसा ब्यौरा दिया गया है। इस बारे में अपर आयुक्त मनीषा खत्री इन्होंने बेसिन समक्ष जानकारी दी। इस समय में बीसन किटिंग अपर आयुक्त आदिवासी विकास नागपुर के इस ऑफिस में आए हुए, जहां पे अधिकारी मनीषा खत्री जी है। आइए उनसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो ज्ञापन मांगों का दिया गया है वो कब पूरी होगी या उनमें क्या कमी है या कैसे ये कार्यालय उनको पूरा करने जा रहा है। मैम, ये बताएं कि जिस तरह से आज आदिवासी 5 लाख लोग हैं, लेकिन उनके पास अभी भी किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिली है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है, क्या कहना चाहोगे आप? अभी लॉकडाउन था, इस कारण से हमने एक खावटी योजना चालू की थी मागच्या वर्षापासून, आणि आता तो अंतिम टप्प्यावर आहे ते खावटी योजना। जवळपास 10 लाख लोकांना ते खावटी योजनाचा लाभ मिळालेला आहे, त्यांना 2,000 रुपये त्यांच्या अकाउंटमध्ये गेलेले आहेत आणि अजून आपल्याकडे स्कोप आहे, तर अजून ते नंबर पण अजून वाढणार। आणि आमची पण ह्या लोकांकडे अपील आहेत की जर आपल्याला हा लाभ नाही मिळालेला आहे तर आपण परत अर्ज करा आपल्या पीओकडे आणि डिपार्टमेंट लाभ देणार आहेत। इस मामले को लेकर जब बेसियन की टीम ने पूर्व महापौर माया इनावती इनसे बात की तो उन्होंने बेसियन समक्ष जानकारी दी। अपर आयुक्त कार्यालय में आज यहां पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्ञापन दिया गया, आखिरकार क्या विषय ये जानना चाहेंगे? इस समय में पूर्व महापौर मायाताई इनावते, मायाताई ये बताए कि किस विषय को लेकर आज अपर आयुक्त से आप मिली? आज हम 3-4 विषय हमारे आदिवासी के समस्या के बारे में हम निवेदन देने के लिए यहाँ आए। मेरे साथ में हमारे शहर अध्यक्ष मान्य प्रवीण जी दटके साहब है, वैसे ही हमारे खासदार महात्मे जी भी साथ में हैं, हमारे उपाध्यक्ष विवेक जी नागभीरे हैं, हमारे शहर आघाड़ी के अध्यक्ष रवि पिंदाम है, हमारे नगर सेवक और नागपुर सुधार प्रयास के ट्रस्टी संजय जी बंगाले हैं, बालाजी बोरकर नगर सेवक और सभी आदिवासी कार्यकर्ता है। विषय ये था कि जो खावटी अनुदान का जो विषय शासन ने जो 2019 से जो कोविड का जो हुआ है, तो तब से उन्होंने जो घोषणा की थी तब से अभी तक के आदिवासी लोगों के खाते में 2,000 रुपये देने वाले हैं, फिर बाद में हमने सुना कि किट देने वाले हैं, तो यही सारे विषय की जानकारी लेने हम लोग यहाँ आए, क्योंकि हमारे समाज के लोग जो है बेचारे बड़े आशा से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बोला है तो ये सब मिलेगा करके हमारे पास आ के वो लोग हमको पूछते हैं, तो अभी तक के बहुत ही कम लोगों को नहीं के बराबर पैसा मिला हुआ है। यानी ये हो गया है कि अभी ये कोरोना खत्म होते आ रहा है लेकिन पैसा अभी तक के मिला नहीं है, ना तो अनुदान मिला ना तो किट मिली है। दूसरा विषय एक रेमडेसिविर शिविर का है जो इंजेक्शन का है, उसके लिए भी पैसे गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए हैं, लेकिन ट्राइबल लोगों को इसकी जन जागृति किया गया नहीं है, मालूम ही नहीं है तो लोग कैसे इसका फ़ायदा उठाएंगे, तो हम आज यही बताने के लिए आए कि इसकी तुम सब जानकारी सब लोगों तक जाना चाहिए, इसका प्रसार प्रसार होना चाहिए।